हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। जो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले ये कहाँ पे है, हमारे उत्तर प्रदेश में। अभी क्या हुआ है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को 45 डेज दिए हैं टू फाइनलाइज एंड नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 26A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है NGT, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सेकेंड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर। डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, स्प्रेड है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसको सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था, 1986 में। इसमें क्या करना है, हमने प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना है हमारी इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी जो भी गंगा बेसिन के आसपास है। जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है, जैसे वेटलैंड्स, मार्शेस, ड्राई सैंड बेल्ट्स, जेंटली स्लोपिंग रिवाइंस। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लोरा है और फोना भी है, जैसे फोना में कुछ एनिमल्स याद होने चाहिए, स्वैम्प डियर एंड होग डियर। ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका ऑलरेडी UPSC ने क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये याद रखना। ये क्या है, 18 अक्टूबर 2010 को बनी थी। कौन सी एक्ट के अंदर बनी थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये याद रखना, ये क्या है, किसी एक्ट से बनी है, तो याद रखना कौन से एक्ट से बनी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये क्यों बनाई गई थी, फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। जो भी केसेस आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के, उसके लिए ये क्या है बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये है NGT है वो क्या है, नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये UPSC ने स्टेटमेंट पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम। ये इससे बाउंड नहीं होती, किससे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से, बट इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो भी इसके पास जो भी केसेस आते हैं, वो कब उसका डिस्पोजल होना चाहिए, विद इन 6 मंथ, जैसे मैंने आज फाइल किया, विद इन द 6 मंथ्स वो जो केस है उसको क्या होना चाहिए, सोल्व होना चाहिए। अगर हम NGT की प्रिंसिपल सीट्स बोलें, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और भी जगह, जैसे 4 जगह हैं यहाँ पे इसके ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है NGT, क्योंकि ऑलरेडी प्रीलिम्स में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ कर जाना। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।